हेलो दोस्तों, मैं हरीश सावल करता हूँ आपके अपने चैनल में वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। आज के वीडियो का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन और इसका मीनिंग क्या है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और स्मॉल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब मतलब स्मॉल होता है, बायो मतलब लाइफ, और लोगिया मतलब टू साइंस। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे लिविंग ऑर्गन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्टडी करना है। साइंटिफिक स्टडी करना मतलब माइक्रोबायोलॉजी नाम में इसका अर्थ है। सो आगे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ लिविंग बींग। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। दे आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा विच इज़ डिफरेंट देन द एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो फर्स्ट इज सेलुलर और असेलुलर। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं असेलुलर में दे आर नॉट सेल एंड हैव नो सेल। असेलुलर मतलब क्या होता है, उसमें सेल नहीं होती। और क्या है, दे आर कंपोज ऑफ फ्यू जीन्स प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट। मतलब इस प्रोटीन जो कुछ प्रोटीन कोट से कवर होने वाले कुछ जीन होते हैं उससे कंपोज हुए होते हैं। एग्जाम्पल वायरसेस, दे कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस ओनली वेन इनसाइड अ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं सेलुलर। सेलुलर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस, सेल विदाउट न्यूक्लियस मतलब जो सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक ट्रू और गुड, सेल्स दैट हैव न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस होता है नो न्यूक्लियस, हैव टू न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता हैव नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, लेस कॉम्प्लेक्स। इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल बॉन्ड नहीं होता और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, और इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया एंड अरेकिया, एंड इसका एग्जाम्पल है अलगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस, यूकैरियोट्स का। आगे देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विथ अ सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया मतलब एक प्रोकैरियोटिक है, इसमें एक सिंगल सेल होती है और उसका एक सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। दे डू नॉट पजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोजोम ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और एक एक न्यूक्लियस होता है इसमें, सिंगल क्रोमोजोम ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स। ये बैक्टीरिया की डायग्राम एग्जाम में बहुत बार आती है, तो उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। डायग्राम सिंपल है, फिर भी वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, जिससे आप उसका आप स्टडी भी कर ले, हर एक उसका जो भी नेमिंग है वो भी आप याद कर ले, आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरी होगा। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। शेफ, ग्राम स्टेन, ऑक्सीजन डिमांड। तो शेफ में से होता है स्पेरिला, बैसिलाई, कॉकाई, और ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ऑक्सीजन डिमांड में होते हैं एरोबिक और एनारोबिक, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स। मतलब पहला जो क्लास है उसका, बैक्टीरिया डिपेंड ऑन देयर शेप आर क्लासिफाइड एज कोका। बैक्टीरियल शेप्स और राउंड इन शेप, जो भी कोका होती है उसका स्पेरिकल और राउंड शेप होता है। बैसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया, जो भी रॉड शेप बैक्टीरिया उसको हम बैसिलाई कहते हैं। स्पेरिला स्पिरल और स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया, स्प्रिंग शेप का उसका बैक्टीरिया होता है। वाइब्रोज उसका होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया। आगे हम देखेंगे शेप, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस में कोकाई कैसा है, बैसिलस कैसा है, स्पिरोचेट्स कैसे, वाइब्रोज कौन से, और स्पेरेला कैसा है। हम आगे बाग देखते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर भी उस अलग अलग शेप है, आप देख सकते हैं कोकाई, बैसिलाई, वाइब्रोज, स्पिरिला, ये सबको आप यहाँ पर इमेजेस में उसके एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज कंपोज ऑफ पेप्टिगो ग्लाइकेन लेयर ओनली। इसकी जो भी सेल सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, पेप्टिगो ग्लाइकेन लेयर से ही
बनी होती है। उसके एग्जाम्पल होंगे स्टेफिलाईकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड मैक्रोकोकस। सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल ऑल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज कंपोज ऑफ पेप्टिन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑल्सो। और उसके एग्जाम्पल है ई कोलाई और सैल्मोनेला। ऑक्सीजन डिमांड के वजह से दोबे एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड एयर दैट मॉलिकल ऑर्गेन ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ऑल सभी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको एयर की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो सभी आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम और बैसिलस। एनाबरिक बैक्टीरिया ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट रिक्वायर एयर और मॉलिकुलर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनको एयर की ज़रूरत मतलब ऑक्सीजन की सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए ज़रूरत नहीं होती, वो सभी आती है एनाबरिक बैक्टीरिया में। जैसे कि एग्जाम्पल कोलाय, सेल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस, पेप्टोकोकस, सेलोस्टेरोडियम। आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको ये दो सभी मेथड आपको 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। सो इसको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। अ प्लेट ऑफ सोडियम मीडियम इज अलाउड टू ड्राई इन एन इनक्यूबेटर फॉर 30 मिनट्स टू द ड्राई द सरफेस। इनक्यूबेटर में 30 मिनट के लिए ड्राई करने के लिए सॉलिड प्लेट को रखता है। देन बाय यूजिंग द बेंट वायर विच हैज़ बिन स्टेरलाइज्ड बाय हिटिंग डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। जो बेंट वायर होगी उसको हमें डायरेक्टली फ्लेम पर उसको स्टेरलाइज करना है। इज डीप इन टू द इनोक्यूलम्स, उसको इनोक्यूलम में डीप करना है। विद दिस वायर द इनोक्यूलम इज स्ट्रिक्ट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अगर मीडियम। इस वायर के हेल्प से इनोक्यूलम जो स्ट्रिक्ट उसको स्ट्रिक्ट अक्रॉस करना है अगर मीडियम में, सरफेस ऑफ अगर मीडियम में। सो इंडिविजुअली सेल्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच और इंडिविजुअल सेल इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे ये जो एक 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 दूसरे से। द इनक्यूलम कैन बी स्ट्रिक्ट ऑन द अगर सरफेस बाय मेथड एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। आगे जो भी स्लाइड उसमें हम इमेजेस में देखने वाले हैं। दिस प्लेट आर इनक्यूबेटेड। इस प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस में 18 से 24 घंटे तक इनक्यूबेट करना है। आफ्टर विच इंडिविजुअल कॉलोनीज कैन बी ऑब्जर्व ऑन द अगर सरफेस। जो भी इंडिविजुअल कॉलोनीज है वो हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगी अगर सरफेस। यहाँ पर हम इमेज में देखेंगे किस तरह से होगा। इनिक्यूलम सेकंड स्ट्रेट, थर्ड सेट ऑफ स्ट्रिक, फोर्थ सेट ऑफ स्ट्रिक। यहाँ पर किस तरह से फ्लेमिंग में स्टेरलाइज किया है, उसमें इंक्यूबेट किया है, सब हम दे सकते हैं। आगे है स्प्रेड प्लेट मेथड। अ ड्रॉप ऑफ डायल्यूटेड सैंपल ऑफ कल्चर स्पेसिमन इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अगर मीडियम एंड दिस ड्रॉप इज स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस यूजिंग द स्टराइल ब्लेंड ग्लास वाटर। दिस प्लेट आर इनक्यूबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 24 आवर्स आफ्टर विच इंडिविजुअल कॉलोनी कैन बी ऑब्जर्व ऑन द अगर सरफेस। ड्रॉप ऑफ डायल्यूटेड सैंपल ऑफ कल्चर स्पेसिमन उसको हम प्लेस्ड करना है अगर मीडियम के सरफेस में। दिस ड्रॉप को बेंड रॉड से सभी और उसको स्प्रेड करना है, फिर उसको इनक्यूबेट करना है और हम बाद को हम बाद में हम कॉलोनी ऑब्जर्व मिलेंगी अगर सरफेस पे। आगे हम देखते हैं पोर प्लेट मेथड। इन दिस मेथड द इनिशियल सस्पेंशन ऑफ द कल्चर इज डायल्यूटेड टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबाउट 100 माइक्रोस पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस डायल्यूटेड स्पेसिमन इज 1 ml। दिस इज पिपेट आउट इन द एम्प्टी प्लेटेड ड्रेस एंड मिक्स विद द न्यूट्रिएंट अगार बाय मूविंग जेंटली। इस मेथड में क्या है कि सस्पेंशन जो होता है कल्चर कॉन्सेंट्रेशन 100 माइक्रोस पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, यही जो डायल्यूटेड स्पेसिमेन है उसको पिपेट आउट करना है इन एम्प्टी पेट्री डिश में एंड मिक्स्ड विद उसको न्यूट्रिएंट अगार में मिक्स करना है अच्छा जेंटली मूव करके। द टेम्परेचर ऑफ अगार इज नॉट अलाउड टू एक्सीड द 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होगा अगार का उसको 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना है डैमेज अवॉइड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द प्लेट्स आर इनक्यूबेटेड।
अब उसको सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हर प्लेट को इनक्यूबेट करना है. दिस इन दिस प्रोसेस द कॉलोनीज विल ग्रो द बोथ ऑन ऑन एंड बिलो द सरफेस. वो कॉलोनीज हम की ग्रोथ देखेंगी सरफेस में. एंड बिकॉज सम ऑफ सेल आर ट्रैप्ड विद इन द अगर मीडियम व्हेन इट इज सॉलिडिफाइड्स. यहाँ पर हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से करना है उसको पिपेट आउट करना है, और बैक्टीरियल कॉलोनी हमें अगर सोल्यूशन में देखेंगे. सिंगल सेल आइसोलेशन बाय माइक्रो मैनिपुलेटर. द हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड. द नीडल ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर इट इज इंसर्टेड इन द हैंगिंग ड्रॉप. द बाय पॉइंटेड टिप ऑफ नीडल ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर सिंगल आइसोलेटेड सेल ऑफ बैक्टीरिया इज लिफ्टेड एंड टेकन आउट. नीडल टिप विद आइसोलेटेड सिंगल सेल एंड इज डीपन इन टू स्टराइल ग्रोथ ऑफ मीडियम एंड दिस ट्यूब इज इंक्यूबेटेड एट अप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन कंडीशंस. स्टेनिंग मेथड. स्टेनिंग सिंपल मीन कलरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द ड्राई दैट आइडेंटिफाई द इल्यूसीडेट डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजा एंड एट्सेट्रा. हम फिर से एक बार उसको देखते हैं. स्टेनिंग इज सिंपल मीन्स कलरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द डाई दैट आइडेंटिफाई द इल्यूसीडेट डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआ एट्सेट्रा. अब देखेंगे स्टेनिंग के टाइप, पर्पज ऑफ स्टेनिंग एंड एग्जाम्पल. सिंपल स्टेनिंग का है टू हाईलाइट द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया. उसके एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल्स के, मिथिलीन ब्लू, कार्बो सीन, क्रिस्टल वायलेट. ग्राम स्टेनिंग के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया गिव पिंक कलर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गिव पर्पल कलर. सैफ्रेनिन क्रिस्टल वायलेट. एसिड फॉज स्टेनिंग टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया हैविंग सेल ऑल हेक्सीमेटेरियल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी. स्पेशल स्टेनिंग टू आइसोलेट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैक्टीरिया. स्टेनिंग ऑफ फ्लैजेला, स्टेनिंग ऑफ एंडोस्पोर, स्टेनिंग ऑफ कैप्सूल्स. सिंपल स्टेनिंग व्हेन द बैक्टेरियोलॉजिकल प्रोसीजर यूजिंग द स्टेनिंग सोल्यूशन विद द कंटेन वन एंड ओनली वन डाई सोल्यूशन आइदर डाइल्यूट अल्कोहलिक सोल्यूशन और वाटर स्टेन आर नोन एज सिंपल स्टेनिंग एंड प्रोसेस इज नोन एज सिंपल स्टेनिंग. एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू, सैफ्रोनिन क्रिस्टल वायलेट. फिक्स्ड बैक्टेरिया स्मेयर ऑन स्लाइड एट डाई प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्मेयर देन श्रिंक विद द वाटर ड्राइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. बैक्टेरियल सेल टेक द कलर ऑफ ड्राई सोल्यूशन. ग्राम स्टेनिंग मेथड. दिस इज द वाइड यूज डिफरेंशियल टेक्निक फॉर बैक्टीरिया. टेक्निक प्रिपरेशन ऑफ अ स्मेयर. ट्रांसफर लूप फुल ऑफ द लिक्विड कल्चर टू द सर्फेस ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लाइड द स्प्रेड ओवर द स्मॉल एरिया एंड फॉर्म अ फिल्म. अलाउ द फिल्म टू एयर ड्राई. फिक्स द ड्राइड फिल्म बाय पासिंग इट ब्रीफली थ्रू अ बुसेन फ्लेम. फ्लोड द स्लाइड्स विद क्रिस्टल्स वायलेट सोल्यूशन फॉर अप टू द 1 मिनट. वॉश ऑफ ब्रिंकली विद टैप वाटर एंड ड्रेन. फ्लोट स्लाइड विद द आयोडीन सोल्यूशंस एंड अलाउ टू एक्ट फॉर अबाउट 1 मिनट. वॉश ऑफ द टैप वाटर ड्रेन. रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्लाइड एंड फ्लोट सो दैट अल्कोहल यूज फॉर डिकलराइजेशन इज नॉट डायल्यूटेड. फ्लोट स्लाइड विद 95% फॉर 10 सेकेंड एंड वॉश ऑफ विद द टैप वाटर ड्रेन द स्लाइड. काउंटर स्टेन विद द सैफ्रिन सोल्यूशन फॉर 30 सेकेंड. वॉश ऑफ विद द टैप वाटर ड्रेन एंड ब्लो ड्राई. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन द वायलेट कलर ऑफ मिथाइल क्रिस्टल वायलेट एंड अपीयर वायलेट. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस स्टाफिकोकाई, निम्नोकोकाई सी, डायफेरिया बी, एनिस्ट्रेसिस. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज क्रिस्टल वायलेट एंड गेट वॉश्ड विद अल्कोहलिक एंड स्टेन विद द रेड डाई सैफ्रिनिन एंड अपीयर द रेड. एग्जाम्पल गोनोकोकाई, मीनिंगोकोकाई एंड इकोला स्टेफी. इंपॉर्टेंस बाय दिस मेथड नॉट ओनली द शेप साइज एंड अदर स्ट्रक्चर डिटेल्स आर मेड विजिबल बट बैक्टीरिया कैन बी ग्रुप्ड इंटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय दिस टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड्स. एसिड फर्स्ट स्टेनिंग, जील्स निजल स्टेनिंग प्रोसीजर. Dried smear are stained with alcoholic fusion for 3 to 5 minutes, applying heat for gentle steaming.
वॉश विद वाटर, डीक्लोराइज इन 95% इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग 3% ऑफ फ्यूल ऑल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HCl एंड अंटिल द रेड कलर नो लॉन्गर रन ऑफ फ्रॉम द स्मियर, वॉश्ड इन वाटर काउंटर स्टेंड विद मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन फॉर 1 मिनट, वॉश्ड इन वाटर ड्राइड एंड एग्जामाइन अंडर द माइक्रोस्कोप, एसिड फर्स्ट सेल आर रेड व्हाइट, नॉन एसिड फर्स्ट सेल आर ब्लू। वायरसेस द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत बार उस पर क्वेश्चन आता है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। सो देखते हैं जनरल स्ट्रक्चरल फीचर, वायरस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट डज नॉट पजेसेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल इट इज पजेसेस अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड एट सेंटर कोर, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड कैप्समोर्स वेयर ईच कैप्समर इज मेड अप ऑफ 7 to 8 मोनोमर। सो वायरस कैरीज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एसिड आइदर DNA और RNA बट नेवर द बोट, वायरसेस पर्टिकुलर मे बी इनवलप और नेक्ड दैट इज विदाउट इनवलप, इनवलप मे शोज द प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पीकल्स, वायरसेस मे शोज द एकोसाहेड्रल फ्रॉम हेलिकल फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ये डायग्राम भी बहुत बार आपको पूछा थी 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए, विद डिस्क्रिप्शन भी होता है कभी कभी। हम देखते हैं इनोलोप प्रोटीन है यहाँ पर, इनोलोप है, वायरल जिम्नोमा है, न्यूक्लियो कैप्सिड है, वायरल टिगोमा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर दिए, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मोटिवेशनल पोस्ट भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सो बाय बाय, सी यू।